आई थिंक वी शुड स्टार्ट. वी हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स विथ अस. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी शॉर्ट नोटिस के मीटिंग पे हमारे साथ आए. बहुत मुश्किल घड़ी है जिसमें हम सब एक साथ हैं, और इसी वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हो पा रहे हैं, और इसी वजह से टीचर्स की जो मेहनत है वो दिखाई दे रही है. देखिए, क्लासरूम अरेंजमेंट में बच्चों को पढ़ाना, बुक चेक करना, कॉपी चेक करना भी आसान होता है, पर हमें पता है कि ऑनलाइन पर पढ़ाना, जो कि एक नई चीज रही टीचर्स के लिए, भी बहुत मुश्किल है. टीचर्स ने दिन रात मेहनत करके इस चीज को सीखा, एक नई चीज को जाना. साथ ही आपने भी दिन रात मेहनत करके इस चीज को सीखा और बच्चों की मदद की. इसके लिए मैं रियली थैंक फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल पेरेंट्स, आपने साथ दिया. पेरेंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम दोनों को समझने की बहुत जरूरत है, शिक्षक वर्ग और पेरेंट्स या अभिभावकों को भी. मैं चाहूंगी, हम एक छोटा सा वीडियो आपके संग शेयर कर रहे हैं. ये डॉक्टर विशाल जैन, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका वीडियो है. उन्होंने बहुत गहरी बातों को बहुत आसानी से समझाया है. इससे आप और हमें, हम दोनों को एक साथ काम करने में आगे बहुत मदद मिलेगी. देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स और वेरियस गवर्नमेंट से अलग अलग तरह के आदेश आते रहेंगे. स्कूल और अभिभावक केवल एक ही चीज पर फोकस करते हैं, वो है बच्चे का भविष्य, उसका सत्र, उसका ये सेशन कैसा जाएगा, ये सेशन कैसे करेगा बच्चा. हम दोनों का जो मोटिव है वो एक ही है कि बच्चे के भविष्य के बारे में हम दोनों सोच रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से, कृपया इस वीडियो को जरूर देखें, कमेंट्स दें और बताएं कि क्या इस वीडियो में ऐसी कोई बात है जिसे आप अग्री नहीं करते, या कोई ऐसी चीज है जिस पे आप और डिस्कशन चाहते हैं. डॉक्टर विशाल जैन का ये वीडियो, हम थोड़ा सा एक पोर्शन इसका आपको अभी शेयर करेंगे, और इसके बाद आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं. साथ में ये हमारे फेसबुक पर और हमारी स्कूल की यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको. थैंक यू सो मच पेरेंट्स, आप लोगों के को देखकर बहुत अच्छा लगा. आप लोग से मिलके हमेशा अच्छा लगता है. जब भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कम्युनिकेशन गैप ना बनाए, प्लीज स्कूल आए. स्कूल ऑफिसेस खुले हैं, टीचर्स कल से स्कूल में आएंगे कुछ घंटों के लिए. कुछ ग्रुप्स में वो आते हैं ताकि उनका काम भी ना रुके और स्कूल सुचारू ढंग से चलता रहे. प्लीज स्कूल आइए, किसी भी तरह की आपकी समस्या है आप आकर बात कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन से ही हर मसले का रुझान पाया जा सकता है. प्लीज डॉक्टर विशाल जैन की वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. स्कूल, टीचर्स, मैनेजमेंट, ये सब एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिसमें आप ही केवल हमारा सहारा बन सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज रमेश, शेयर द वीडियो विद द पेरेंट्स. थैंक यू सो मच पेरेंट्स. थैंक यू मैम. ऑन द ग्रुप्स, ओके. थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. लाइव इज देयर एंड आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर getting connected. I think so we must start now. First of all, I would like to greet all the parents and say thanks. During the COVID times, they have actually been with their children. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का, जो कोविड के समय में जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा साथ दिया है कि किसी भी तरह से उनकी एजुकेशन ना रुके. बहुत कठिन समय है. Hello? और आगे भी बहुत कठिन समय है. इट इज अ टफ टाइम फॉर एवरीवन ऑफ अस राइट नाउ, बट द पेरेंट्स, दोज हु हैव एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड फॉर देयर विद द किड्स, आई रियली सल्यूट देम. आई नो दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर यू, क्योंकि शुरू में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक ही मोबाइल था या दो मोबाइल थे, और उसमें हमारे को भी अपनी डेली रूटीन जॉब रूटीन बातें करनी थी. बट द सेम टाइम आपने उस मोबाइल को शेयर किया अपने बच्चों के साथ. पेरेंट्स, एक
बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस जो पेरेंट अपने बच्चों का साथ देते हैं वो बच्चे कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की बातें सुनते हैं वो बच्चे कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो पेरेंट्स हेलो रमेश, जो अपने बच्चों की हर क्वेरी को आंसर करते हैं वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो पेरेंट जो स्कूल फीस को भी अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट समझते हैं ना कि एक्सपेंस, वो कभी बच्चे अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ स्कूल आते हैं, जो हर पीटीएम अटेंड करते हैं, जो हर मीटिंग अटेंड करते हैं, जो टीचर्स से बात करते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलने में उनका साथ देते हैं, वो बच्चे कभी अनसक्सेसफुल नहीं होते। आपके बच्चे आपका इन्वेस्टमेंट है तो उनके साथ जरूर समय दीजिए। और इस लॉकडाउन ने हमारे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी हमारे को अपने बच्चों के साथ रहने की, एंड आई एम श्योर कि आपने हर मोमेंट हर मिनट उसको वर्थ बनाया है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि हर मोमेंट जो आपको मिला वो आपने एक एक मोमेंट वर्थ बनाया है बच्चों के लिए। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट, आई रियली थैंक एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द पेरेंट्स वी हैव, those who have supported, those who have been with their children. Coming to my students. Students, I know this COVID time had been a bit different experience for you. Trust me, nobody alive has experienced this. Hello? Nobody, none of the people alive Hello? in the whole damn world Hello? haven't experienced. Nobody has experienced Hello, this kind somebody of situation. There. We are not able to see any video. Past. Yeah, we can't see so anything. Sure it is a different experience and you have witnessed it. And I'm sure you have taken a lot of positive things Hello. out of this odd experience. Because good people always take positive things out of everything. So I know all my students hello are very positive hello hello and they might have taken hello? lot of positive hello? things hello can you hear me out of this yes whole yes I can hear you video is visible visible to you all now. I really congratulate but the people the students no those who have been working hard video is not I really congratulate there is no video and no audio also. The reason of congratulations is not just that you have been studying. The reason of congratulation is there are about 153 crore students in about 180 countries, and all these students are actually, you know, not able to study or not able to go to their regular formal schools because of this corona spread. You who have been studying, you who have been taking the teachers' word seriously, who have been doing the regular assignments, who have been yes. regularly involved in academics, yes. are much ahead. I think your internet connection not you working much, properly. Much more ahead. Hello. Hello. Out of these 153 crore students yes, from the entire world, they may be 10% of the students. Those are very serious. Parents, and I'm sure doctor, you're one of them. So you are much ahead than your peers, those who are very Hello? Old, in whichever city, in whichever country. Ma'am, we can't because see the situation for every Please one of us, every of the student is same throughout the world. So I can really congratulate you on this. Coming to my teachers. Because teachers are also there in the meeting today. Teachers, I really salute you. You really worked very hard. I know it was a very difficult time. I know this time
wherein you were not at all prepared for this new situation. You were not equipped with the technology. You were not equipped with the teaching methods, but you adapted all of them. You adapted all the teaching methods. I understand during the lockdown period, where in your house, your father, your mother, your mother-in-law, your father-in-law, your children were there, maybe more people, siblings, brothers, sisters, and you had a two-room house where everyone was there. But then a task of teaching was given to you. The task of continued education for your students was given to you. The task for updating yourself was given to you. And you took it very sportingly. You took this task in a very sporting way. You adapted the most difficult situation. You adapted a situation in which you were able to teach your students well, and that was not an easy situation. That was not an easy situation at all, but you adapted. I congratulate you and thank you, because you have made many of our students, those who took their study seriously, much ahead of all the peers, of all their friends, of all the students in their respective classes throughout the world. You made them much ahead. I really feel sorry for those students, those who haven't started their online education. I really feel sorry for them. But I'm sure you will ensure that every of your child, every student of yours is online, is taking education and is moving ahead with everyone, from everyone. So I'm sure you would be able to do that. And you will be able to do it very soon. That's fair.